नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। विधान भवन के प्रांगण में आयोजित किए गए इस समारोह में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के कुल 36 मंत्रियों ने शपथ ली। ये शपथ ग्रहण समारोह काफी ड्रामेदार रहा। यहाँ कई रंग देखने मिले, कहीं खुशी थी, कहीं गम था। किसी के सारे गुनाह माफ कर दिए गए और किसी पर राज्यपाल भड़क उठे। शपथ ग्रहण की शुरुआत हुई अजीत पवार से। जब अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो ये माना गया कि उनके साथ जुड़े हुए तमाम जो कयास थे कि अब उनके सियासी करियर का क्या होगा, उसकी एक तरह से समाप्ति हो गई। आपको याद होगा कि इसी साल 23 नवंबर को अजीत पवार ने बिना अपनी पार्टी की सहमति से देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन विधायकों का साथ ना मिलने की वजह से 4 दिनों बाद उन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा था। लेकिन आज जब फिर से एक बार अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो यही माना जा रहा है कि शरद पवार ने उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। मंत्रियों की लिस्ट में ऐन वक्त पर नाम उभर कर आया आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। आदित्य ठाकरे मध्य मुंबई के वर्ली इलाके से विधायक हैं और वो शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना के प्रमुख भी हैं। आदित्य ठाकरे तो मंत्री बनाए जाने से खुश नजर आए, लेकिन शिवसेना के ही सुनील राउत मंत्री बनाए जाने से वंचित रह गए। सुनील राउत शिवसेना के सांसद संजय राउत के भाई हैं और मंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो भड़क गए और विधायक पद से इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। आज जिन कुल 36 मंत्रियों ने शपथ ली उनमें से शिवसेना के 13 थे, 13 एनसीपी के थे और 10 कांग्रेस के थे। 26 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली और 10 राज्य मंत्रियों ने। शपथ दिलाते वक्त राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तब भड़क गए जब कांग्रेस के एक विधायक केसी पाडवी ने शपथ लिए जाने के बाद कुछ लाइनें अपने मन से जोड़ दी। इससे नाराज होकर भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें फिर से मंच पर बुलवाया और वापस शपथ दिलाई। खेरीज करून एरवी में कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्याच्याकडे उघड करणार नाही। येथे मी निसर्गाला व मानवतावादाला नतमस्तक होतो आणि 7 वेळा निवडून देणाऱ्या मतदारांना तसेच महाराष्ट्रासह सर्व भारतीय जनतेला वंदन करतो आणि भारतीय राज्यघटना माझ्या अंतरात्म्याला अर्पण करतो। बोलिए, सामने आपके इतने सीनियर लोग बैठे हैं, शरद जी बैठे, खड़गे जी बैठे, ये मुझे मना करने के तो मैं नहीं बोलूंगा। जितना उसने बोला उतना दोबारा पढ़िए, प्लीज दोबारा पढ़िए, मैं नहीं मानूंगा इस बात। जितना लिखा उतना पढ़िए, जय बोलिए। इस शपथ ग्रहण से करीब महीने भर पहले 28 नवंबर को शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब उनके साथ 6 और भी मंत्रियों ने शपथ ली थी। शिवसेना की तरफ से 2 मंत्रियों ने शपथ ली थी जिनमें एकनाथ शिंदे शामिल थे, सुभाष देसाई शामिल थे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से 2 मंत्रियों ने शपथ ली थी जिसमें कि बाला साहेब थोरात थे और नितिन राउत थे। एनसीपी की तरफ से छगन भुजबल और जयंत पाटिल ने शपथ ली थी। सरकार बनाए जाने से पहले ही ये फॉर्मूला तय हो गया था कि किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे। फॉर्मूला ये था कि जिस पार्टी के पास जितने ज़्यादा विधायक हैं उसे उतने ज़्यादा मंत्री पद मिलेंगे। तो इस तरह से शिवसेना जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 56 विधायक हैं, उसके पास में सबसे ज़्यादा मंत्री पद हैं और उसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी है एनसीपी जिसके पास में 54 विधायक हैं और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस जिसके पास 44 विधायक हैं और इसलिए उसे सबसे कम मंत्री पद मिले हैं। मंत्री पद बांटे जाते वक्त क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को भी देखा गया है और कोशिश की गई है कि एक बैलेंस बनाकर रखा जाए और महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र जैसे कि मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र या कोंकण, इन सभी इलाकों को प्रतिनिधित्व मिले। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के भी कोटे को रखा गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।